तो गाइस इस तरह से प्यारा केक है ये, ये देखिए प्यारा लग रहा है। तो यहाँ कटिंग हो रही है गाइस खाने की, दोनों लगे हुए हैं। गाइस कंप्लीट हो चुका है अपना डाइनिंग का, ये हमारी डाइनिंग। जोर से खाटू श्याम जी के बर्थडे की सेलिब्रेशन में ये कहाँ कौन सा ऊपर गया। तो गाइस कर ली पूजा, तो कंप्लीट कर ली। जस्ट अभी एक बहुत बड़ा इनविटेशन आया है हमारे पास, बड़ा ही मानेंगे क्योंकि जब कोई बड़ी चीज का सेलिब्रेशन होता है तो एक बड़ा इनविटेशन होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं खाटू श्याम जी का बर्थडे है, जो हम लोग खाटू श्याम जी होके आए थे, जिन फ्रेंड के साथ में गया था, आज उन्होंने उनके घर में एक छोटा सा केक सेलिब्रेशन रखा है, मतलब केक कट करेंगे खाटू जी के नाम से। तो अभी जस्ट इन्विटेशन आया है, उन्होंने कहा सबको लेके आइए, तो हम लोग भी जा रहे हैं खाटू श्याम जी के बर्थडे में, इन्वाइटेड है। सौभाग्य ये खाटू श्याम जी के बर्थडे में इन्वाइटेड है। चलते हैं गाइस, आपको भी दिखाते हैं वहाँ का सीन। हाँ खाटू श्याम जी को उतारो, और क्या बर्थडे तो उन्हीं का ही है। हाँ इन्हीं को बैठा दो पीछे, वंशिका को। बेटा आप भी बैठ जाओ, सीधा तो कर दो, सीधा पकड़ के रखो। तो भाई इस तरह से प्यारा केक है ये, ये देखिए प्यारा लग रहा है। हाँ। कौन सा केक है? खाटू जी का केक है बेटू, फोटो है। चलो कट, वंशिका करेगी पहले मोमबत्ती जगाओ, प्रिय मोमबत्ती जला। हाँ धीरे धीरे आराम से केक यहाँ कट रहा है। हाँ केक के पास फोटो। हाँ खाटू श्याम जी खिलाओ सबसे पहले, गॉड ब्लेस अस। भाई बर्थडे हम मना रहे थे, मैं इसको ना अच्छी है ना, हमने बोल दिया। चलो खिलाओ अमन, खिलाओ खिलाओ अभी खिलाओ। तो ये हमारे खाटू श्याम जी का बर्थडे, खाटू श्याम जी को खिला दिया। इसको खाने दे, इसको खाने दे। चलो बच्चों को केक बहुत अच्छा लगता है मीठे के चक्कर में। मुझे, मैं कम खाता हूँ केक। खत्म हो जाएगा, नहीं होगा खत्म, मुझे मेरा केक। आपका हो गया, कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता है कोल्ड ड्रिंक वाली। हाँ खाटू श्याम को हैप्पी बर्थडे बोला आपने, फाइनली गाइस हमने खाटू श्याम का बर्थडे तो मना लिया, बहुत एंजॉय हुआ। भाई की तरफ से आज स्ट्रीट थी खाटू श्याम पार्टी की, तो जस्ट अभी आ रखे हम लोग अपना चिली पनीर एंड अपना प्रॉपर है, मतलब कि आज का रात का डिनर भाई की तरफ से पार्टी में है। मजा आ गया खाटू श्याम के बर्थडे पे, इन्वाइटेड थे हम लोग, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी विश कीजिएगा खाटू श्याम, आप अभी आतिशबाजी भी होगी, मजा आएगा उन सब में भी, आतिशबाजी बमबाजी में। बाकी मैं खुद चाहूंगा कि खाटू श्याम बाबा आप सब पे कृपा करें, आप सबकी लाइफ बहुत आगे जाए, खूब तरक्की करें। आप लोग फटाफट पैक कराते हैं, फिर निकलते हैं घर की तरफ एंड देन करते हैं आतिशबाजी वहां पर खूब सारी, क्योंकि मेरा बेटा भी इंतजार कर रहा है काफी देर से। फटाफट पैक करा के निकलते हैं गाइस हम लोग, ठीक है। फाइनली हो चुका है अपना भी पैक गाइस, निकल रहे हैं घर पे। और आज की जो ड्यूटी है शिवानी एंड मेरी भाभी की, घर पे है ड्यूटी, वो दोनों रोटी बनाएंगी, हम लोग पैक कराने आए हैं ये चिली पनीर, वो लोग बना रहे होंगे घर पे ही, है ना। तो निकलते हैं फटाफट घर की तरफ हम लोग भी, ये भी कंफर्म हो रहा है कि और क्या क्या लेना है। बहुत है तीन दाल नहीं लानी ना, दाल नहीं लानी ना। तो मेरे ख्याल से घर पे कड़ी ऑलरेडी है, कड़ी कचौड़ी, तो ये जितना हमने लिया है इनफ होगा दो फैमिली के लिए, क्योंकि हम सिर्फ नहीं अभी भी हम लोग हैं
एंड ये भाभी हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मना कर दिया भाभी ने? आप प्लेट ले लेंगे दाल। उसने मना कर दिया, वैसे उसने मना कर दिया, ले लेंगे फिर भी। भाभी का मना है बट भाई कह रहे हैं कि ले लेते हैं एक का। आप चलो ट्राई करते हैं दाल फ्राई भी, क्या भाई बता रहे हैं भाभी बहुत अच्छी होती है। कोशिश करते हैं, ले ही लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, टेस्ट तो करेंगे कैसी है कैसी नहीं है। तो यहाँ कटिंग हो रही है गाइस खाने की, दोनों लगे हुए हैं। काटो काटो, आज का जो हमारा डिनर है वो इसी घर में है। मेरा बेटू खेलने में मस्त है। क्या चीज? आप बेटू मेरा खेलने में मस्त है। हम लोग ये बम फोड़ेंगे ऊपर चल के, मजा आएगा। सब लोग फोड़ रहे हैं ना। फाइनली मजा तो बहुत आ गया, कितना मजा आया आप लोग को? बहुत ज्यादा वाला। ये गाइस खाटू श्याम की बहुत ज्यादा शौकीन है ना, इसको लेके नहीं गए। बट मिस हो गया कि ये खाटू श्याम नहीं जा पाए, ये लोग गए थे वैष्णो देवी। आप गए थे ना? हाँ। दर्शन किए आपने? कैसे थे? पहली बार गई थी ये वैष्णो देवी, फर्स्ट टाइम गए थे, इनको बहुत ज्यादा मजा आया। आपने कहाँ गए थे? आप अभी अभी खाटू श्याम में बहुत मजा आया था ना। ये क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं मैं गया था खाटू श्याम में, मजा आया था ना बहुत। तो गाइस वहाँ पे हो रहा है सर्व अपना, दोनों लगे हुए सर्व करने में। एंड ये अपना रेडी हो चुका है, अपना सारा का सारा बैठने के लिए डाइनिंग टेबल है हमारी। ये फूड जो आया बाहर से ही है पूरा अपना कंप्लीट। एंड वो कड़ी कचौड़ी जो है अपनी, वो आज कहीं पे खाटू श्याम जी का जगराता था वहां से आ रखी है। मेरे को बताओ आप कहाँ कहाँ घूमी करोगे नेक्स्ट टाइम बताओ? वैष्णो देवी। गाइस मेरे बेटे की डिमांड आई है वैष्णो देवी जाना नेक्स्ट टाइम। वैष्णो देवी होगी रेडियो डीलर गाइस अपना। और कभी गया नहीं है वैष्णो देवी, कहाँ है क्या? और देखो मैं रास्ते में भी तुम्हारे से बात कर रहा था कि वैष्णो देवी ट्रिप कर लो, और देखो उसके मुंह से भी यही निकला, हम वहीं चलेंगे। चलो ये खाटू श्याम जी के बर्थडे का सेलिब्रेशन है गाइस, डिनर आज मस्त वाला। गाइस कंप्लीट हो चुका है अपना डाइनिंग का, ये हमारी डाइनिंग टेबल मस्त वाली। निकाल दिए सबका, स्टार्ट करें। चलो जय श्री खाटू श्याम, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, कृपया करके हम सभी पे कृपा कीजिए। अब खाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे समय हो रहा है गाइस बम पटाखों का, तैयार हो रहे हैं बम पटाखे अपने, सब लोग रेडी हैं छत पे बम फोड़ने के लिए। नहीं बेटा अप्रोक्स 12 बज चुके हैं और हमें मजा आ रहा है बहुत बहुत मजा आ रहा है बेटू। जल गया अरे गजब। फोड़ोगे? फोड़ोगे मैं बनाता हूँ तुम्हारी। ये आप विशाल भाई बम फोड़ेंगे बढ़िया वाला, पटपट वाला, हल्का सा लड़का पड़ेगा मामूली सा। नीचे रहना, नीचे मुंह के पास नहीं, इसको नीचे रखो, दुनाली को इसको नीचे रखो, हाँ इसको नीचे रखो। अरे जोर से मारो, ये क्या बात है, ऐसे मारो लो, ट्राई करो एक बार। अरे करो करो कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा भाभी, करो एक बार। ऐसे मार रहा, मैं बता रहा हूँ ना, सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। लड़के को पकड़ के रखियो, देखो गाइस विशाल भाई और उनकी वाइफ, हमारे भैया और भाभी, और हमारे सबसे बड़े भाई यतिन कक्कड़ जी मसाला भर के दे रहे हैं, और ये अब फोड़ेंगे इसे, और देखिए इसमें ब्लास्ट कैसा होता है, मजेदार। हैप्पी खाटू श्याम जी, जोर से
डरना नहीं है, जोर से। अरे विशाल भाई तुम करवाओ, भाभी जी आप तो डर रहे हो, जोर से। शाबाश, क्या बात है, ये सबसे अच्छा बम है, आसान है, ये सेफ है, सेफ है, सेफ भी है, किसमें आग वगैरह नहीं है। अब एक बार मैं सबसे मस्त बम मुझे ये वाला लगा, आसान, पर आवाज छोड़ो, सेफ भी तो है, नीचे अगर करके फोड़ोगे कम से कम आग वाग का डर नहीं है ना। बेटू डर रहा है क्या? देखो देखो देखो, चलो फोड़ो, चलो 1 2 3 स्टार्ट। अब जाएंगे हम स्काई शॉट। खाटू श्याम जी के बर्थडे की सेलिब्रेशन में ये कांक कौन सा ऊपर गया? मजा आया बिट्टू? आसमान बनने लगा। तो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग, मजा आ गया। खाटू श्याम जी का बर्थडे बड़ा ही शानदार, बड़ा ही औसम बन गया। बर्थडे में अपना बम पटाके हर चीज बहुत ज्यादा जबरदस्त। चले, बाय गाइस, चले, चलो कहते अब घर जा रहे हैं, चलो घर निकलते हैं, ठीक है, चलो बाय। गाइस अपने दोस्त के यहाँ से तो निकल चुके हैं, अब हम लोग प्लान जा रहे हैं घर पे। मजा आया बर्थडे सेलिब्रेट करने में, तो बहुत औसम, बहुत मजा आ गया है। शॉपिंग वॉपिंग सब हो गई, आज का ब्लॉग कुछ ज्यादा लंबा हो चुका है, मजा तो बहुत आया। अब चलते हैं फटाफट ऊपर, फिर करेंगे ब्लॉग का एंड। आज तो आ गया गाइज, बहुत मजा, फुल एंजॉय था, औसम। इस तरह का सेलिब्रेशन मैं तो चाहता हूँ हर बार आता रहे, मिलता रहे, मजेदार था, इन्विटेशन भी गजब था, और रियल में मेरी फ्रेंड की फैमिली भी बहुत अच्छी है, एंड सडनली प्रोग्राम भी बना, बच्चों के साथ बेटू भी बहुत खेलता है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। बाकी आज शॉपिंग वॉपिंग हो गई गाइस, मेरे भी कपड़े सिलेक्ट हो चुके हैं, मैडम के भी सारे सिलेक्ट हो गए, अब क्या बचा है, सिर्फ बेटू का बचा है ना, और रानी के लिए बचे, सिर्फ बेटू रानी का बचा है, बाकी सब कंप्लीट है सब कुछ। बाकी शिवानी के जाने की टाइम भी आ चुका है, 24 तारीख आज, 23 थी 23 है, तो बस 2-4 दिन में अब शिवानी मैडम भी चली जाएगी। अभी रात बहुत हो चुकी है गाइस, अब सोने का समय हो रहा है। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड बताइएगा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।